खबर बांदा जनपद से है, जहां बबेरू कोतवाली क्षेत्र के भद्दे हद्दू गांव के पास कायल माइनर में एक लगभग 40 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने जैसे ही देखा तो पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त करने में जुटी रही, लेकिन शिनाख्त तो नहीं होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला बबेरू थाना क्षेत्र के भद्दे हद्दू गांव के नजदीक कायल माइनर में 40 वर्षीय अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ मिला। जब ग्रामीणों ने गांव के समाजसेवी पीसी पटेल को सूचना दिया। पीसी पटेल मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त करवाने पर लगे रहे, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी आसपास के गांव के लोगों को बुलवाकर पहचान करवाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी पहचान युवक की नहीं हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और इस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। ग्रामीणों ने बताया, शव को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसे सुबह लोग नित्य क्रिया के लिए खेत खलियान नहर की तरफ गए तो भदेदू से लगा हुआ कायल कौहारा को माइनर जाता है, उसी किनारे लवली माइनर में मेन रोड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक डेड बॉडी मिली। लोगों ने जानकारी दिया, स्थानीय लोगों को लेकर के हम लोग पहुंचे वहां पर के लाश की शिनाख्त हो सके, कौन है कहां का है। लेकिन सैकड़ों लोगों को पहुंचने के बावजूद जब शिनाख्त नहीं हुई तो हमने तत्कालीन इंस्पेक्टर बबीरू, सीओ साहब और एसडीएम साहब सहित सभी को जानकारी दिया। वो मौके में आए, उन्होंने भी प्रयास किया शिनाख्त की, लेकिन डेड बॉडी की शिनाख्त न होने पर वो लोग लावारिस के रूप में यहाँ से डेड बॉडी को सील करके ले जाने के लिए बाध्य हुए। जब गाड़ी साधन की बात आई कि साधन दे दीजिए प्रधान जी, वहां पर लगभग क्षेत्र के 5-6 प्रधान खड़े थे, किसी ने हाँ नहीं किया। तो हमने स्वयं से पूरा गाड़ी का खर्च किराया दे करके गाड़ी की उपलब्धता कराई और डेड बॉडी को बबीरू भिजवाया। बबीरू से बांदा पोस्टमार्टम हाउस जा रही है। अब जैसे आगे जानकारी हो पाएगी पुलिस पर्दाफाश करेगी, कौन है कैसे क्या, ये मर्डर है कि आत्महत्या है, अब क्या है ये, तो इसके बारे में तो पुलिस और पीएम हाउस से ही जानकारी मिली। ये बताइए कि जो बॉडी मिली है उस बॉडी में कोई शिनाख्त उनाख्त, कोई मारपीट का कुछ निशानदेही कुछ मिली? जैसे हम लोगों ने देखा तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन उसके राइट साइड के कान के नीचे थोड़ा ब्लड लगा था और आंख और नाक हर जगह उसके चीटे घूम रहे थे। बाड़ी में ऐसा लग रहा था कि पानी में फूली है, लेकिन बाड़ी में फूली समझ में इसलिए पूरी तरह नहीं आ रही थी क्योंकि कपड़े उसके सूखे थे, हो सकता है ओस के कारण वो बाड़ी सिकुड़ गई हो। उसके आसपास बॉडी के आसपास कुछ मिला वहां पे कुछ? नहीं, ऐसे कोई चीजें नहीं मिले। बस बाड़ी के चंद कदम दूर एक गाड़ी चार पहिया बैक करने का मोड़ने का ऐसा स्लेप करके वो जगह शिनाख्त मिली और कुछ नहीं मिला। वही बांदा जनपद में एक तिलक समारोह में हॉर्स फायरिंग के दौरान महिला की मौत हो गई और युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद से हॉर्स फायरिंग करने वाले नशे में धुत आरोपी फरार है। वही युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें पूरा मामला गिरवा थाना क्षेत्र के बंसका गांव का है, जहां शिवदयाल के घर में तिलक समारोह चल रहा था। बताया जा रहा है कि तभी शराब के नशे में धुत पूर्व प्रधान कामता कुशवाहा व लखन आए और दोनाली बंदूक से फायरिंग करते रहे। फायर के दौरान बंदूक हिल गई और सीधे राजाबाई को गोली लग गई, जिससे राजाबाई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवती सोनम देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल भेजा गया है जहां पर इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी फरार है। वही मौत हो जाने के बाद परिवार की खुशियां मातम में बदल गई हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई। बांदा जनपद से कमलेश चौरसिया की रिपोर्ट। सोना देवी, क्या घटना हुई थी, क्यों गोली चलाई, कौन थे ये? हम नहीं जानते। अच्छा, क्या हुआ, क्या है? उन्होंने गोली चलाई तो एक औरत लग गई, खत्म हो गया और मेरे बगल से ही लग गई पैर। अच्छा, किन्होंने गोली चलाई थी, कौन है ये? कामता प्रसाद। कामता प्रसाद, कई लोग थे ये लोग गोली चलाने में? दो लोग थे। दो लोग थे, तो क्या दोनों गोली चला रहे थे, अलग अलग बंदूक लिए थे? नहीं, एक लोग। एक ही बंदूक लिए थे दो लोग? ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शिवदयाल है। क्या घटना हुई है? सर तिलक कार्यक्रम था, मेरे चाचा के लड़के का तिलक करने आए थे कुछ लोग, जो है उसका नाम कामता प्रसाद और लाखन सिंह, दोनों दारू लेकर के आए, दोनों वाली बंदूक लेकर। पहली फायरिंग किया सीधा सीधा, दूसरी फायरिंग भरने लगे तो मेरे गोली छोड़ गई। मेरी चाची राजा भाई का मौके पर ही मौत हो गई है और मेरी लड़की सोना देवी का पैर में गोली लगी।
कौन गांव के रहने वाले हैं? मैं गांव बन सखा का रहने वाला हूं सर। मेरा नाम सुजल, मेरे पिताजी का नाम बाबादीन है। थाना गिरवा लगता है सर, जिला बांदा। ये दो बंसाट इंजरी केस आए हमारे पास में। ये बंसा का गिरवा क्षेत्र के हैं। 108 एम्बुलेंस द्वारा लाए गए हैं, जिसमें एक मृत लाया गया है, राजा भाई 55 साल की फीमेल है, इसको मृत लाया गया। और एक लड़की है सोना देवी 16 साल की, इसको राइट पैर में गोली लगी हुई है। हालत सामान्य है, भर्ती करके उपचार दिया जा रहा है। सर, ये थाना गिरवा अंतर्गत ग्राम बनसुखा में क्या घटना हुई है? ये थाना गिरवा क्षेत्र में ग्राम बनसखा है, वहाँ पर एक लालमन रैदास का परिवार है। आज उसके बच्चे का जो है तिलक समारोह था, और उसमें गांव के काफ़ी औरतें और बच्चे वहाँ पर इकट्ठा थे। इसी दौरान जो है एक कामता कुशवाहा हैं, इस गांव के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, वो अपनी दो नाली बंदूक लेकर के वहाँ मौके पर पहुँचे, और पहले तो उन्होंने एक हवाई फायर किया, उसके बाद फिर पुनः उसमें एक तख्त पर बैठ करके गोली भरने लगे। उसी गोली भरने के दौरान कुछ गलती हुई, जिससे एक फायर हुआ और सामने बैठी एक महिला उसके सर पर जा करके उसकी गोली लग गई, और उसी के बगल में एक लड़की और बैठी हुई थी, उसको छर्रे की चोटें आई हैं। फिलहाल महिला की मौके पर ही डेथ हो गई, बच्ची उसको जिला अस्पताल भेज दिया गया है, वहाँ पर वो खतरे से बाहर है। कामता प्रसाद को जो है मौके से पकड़ लिया गया था, जिस असले का प्रयोग किया गया है उसे भी बरामद कर लिया गया है। अभी परिजनों द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है, जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। धन्यवाद सर। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।